अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसमिन शाह है और मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की ये वीडियो एनीमिया के बारे में है, यानी कि लो डिफिशेंसी ऑफ होमोग्लोबिन। इसका मतलब ये है कि होमोग्लोबिन कमी का मतलब ये है कि खून का कम हो जाना। इसमें दो चीज़ें होती हैं, RBC और WBC। इन दोनों में से किसी एक की मकदार भी कम हो तो जिसम में खून की कमी तस्वर की जाती है, उसको एनीमिया कहा जाता है। असल में होमोग्लोबिन दो अल्फाज का मजमू है, हेम और ग्लोबिन का। हेम का मतलब है आयरन और ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन। जब ये दोनों मिलते हैं तो उसको होमोग्लोबिन कहा जाता है। जब भी HP की मकदार 7 से कम हो जाए तो फिर नॉर्मली एलोपैथिक में ड्रिप लगाकर खून को पूरा किया जाता है, और 7 से ऊपर हो तो फिर डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि वो मेडिसिन से ही इस चीज़ को पूरा किया जा सके। होम्योपैथिक में इनकी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है जो कि खून को RBC या WBC दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करती है। तो आते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन की तरफ। वैसे तो इसकी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है मशहूर, लेकिन हम चंद एक का ही जिक्र करेंगे। पहली मेडिसिन है फेरमफॉक्स। फेरमफॉक्स बायोकेमिक साल्ट भी है। ये आपने 3x या 6x पोटेंसी में यूज़ करना है। ये दवा जो है खून में होमोग्लोबिन की को बढ़ाकर खून में आयरन की कमी को पूरा करती है। इस दवा का मरीज़ कायल और सुस्त सा होता है, मरीज़ खून की कमी का शिकार होता है, उसका रंग जर्द होता है। दूसरी मेडिसिन है लेसिथिन। ये दवा खून के सुर्ख सेल्स को जो है वो बढ़ाती है, और जिसकी वजह से होमोग्लोबिन दोनों की मकदार इसमें बढ़ जाती है। इसका मरीज़ जो है वो दिमागी कमज़ोरी का शिकार रहता है, थकन का एहसास, कमज़ोर जिसम पर कोश की कमी भी होती है। इसके बाद तीसरी मेडिसिन है चेल्डोनियम। चेल्डोनियम आपने मदर टिंचर में यूज़ करनी है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1x या 3x तक आप चले जाएंगे। ये जिगर की बहुत ही ज़बरदस्त दवा है। यरकान के लिए इससे बेहतर मेडिसिन मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। ये रेड ब्लड सेल्स को जो है वो बढ़ाती है, और मरीज़ जो होता है वो बड़ा कमज़ोर सा और उसके जिस्म में बेसी सी ज़्यादा होती है, चक्कर आते हैं, सर से पुश तक जो है वो बिल्कुल जिस्म जो है वो ठंडा हुआ हुआ होता है। उसके अलावा एक और है नेट्रामोर। नेट्रामोर जो है वो आपने 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है, और जाहिर सी बात है ये उसी पेशेंट के लिए जिसमें खून की कमी होगी। ये ज़्यादातर WBC की मकदार को बढ़ाती है। जैसे चेल्डोनियम जो है वो RBC के लिए बहुत अच्छी है, तो नेट्रामोर WBC के लिए। इसका मरीज़ भी बहुत ज़्यादा वीक होता है, सुबह उठता है तो उसका दिल ही नहीं करता कि मैं उठूँ। इसी तरह एक और मेडिसिन है वेनाडियम। ये भी आपने 30 में यूज़ करनी है। ये वेनाडियम जो है जिसम में ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाती है, और खून के सफ़ेद सेल्स को बढ़ाकर WBC की कमी और होमोग्लोबिन की कमी को पूरा करके मरीज़ की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है। ये निज़ाम हज़म को भी तकवीत देती है, यानी मरीज़ को जो है वो भूख कम लग रही होती है, ये उस चीज़ को भी बढ़ाती है। मैदे और जिगर की सूजिश की अलामत पैदा हो जाती हैं, पेशाब में ल्यूमन खारिज होता है, तो पेशेंट को आपने वेनेडियम 30 देनी है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मेडिसिन जो है वो होमोग्लोबिन से रिलेटेड, उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें चंद और जो है RBC और WBC की कमी को पूरा करने के लिए मेडिसिन का डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।